आदेश किसके बारे में है? विषय देख लीजिए, बता दें विषय है मानव संपदा पोर्टल पर राज कर्मचारियों द्वारा चल अचल संपत्ति विवरण दर्ज करने के संबंध में। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस आदेश को पढूं, आपको बता देता हूं कि हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके कैसे अपनी चल अचल संपत्ति को भरा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर चलते हैं। तो अवगत है कि शासन आदेश 9/2023 फला नियमावली के अनुसार मानव संपदा पोर्टल अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण 31/12/2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा करते हुए यह निर्देश दिए गए थे कि चल अचल संपत्ति का विवरण समयबद्ध रूप से प्रस्तुत न किए जाने पर इसे प्रतिकूल रूप लिया जाएगा। दिनांक 1/1/2024 के पश्चात होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में ऐसे कर्मियों द्वारा जब अपनी चल अचल संपत्ति द्वारा विवरण पोर्टल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों का विचरण नहीं किया जाएगा। तत्क्रम में शासन आदेश 6/6/2024 द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्धारित समय अवधि 30/6/2024 निर्धारित करते हुए यह भी अवगत कराया गया है कि चल अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कर्मियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन अपील नियमावली 1999 सुसंगत प्राविधानों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। तदउपरांत कार्मिक विभाग पर आदेश संख्या 11/7/2024 द्वारा पोर्टल चर्चा संपत्ति विवरण प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्धारित समय जो है बताया गया था 31/2024 बढ़ाई गई। नंबर 2, मानव संपदा पोर्टल समीक्षा में संज्ञान में आया कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पोर्टल पर पंजीकृत कर्मियों के सापेक्ष अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों की संख्या बहुत कम है। शासन के सुस्पष्ट निर्देश होने के उपरांत भी कार्मिकों की अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल दर्ज न किए जाना संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। नंबर 3, इस संबंध में यह कहने का निर्देश है कि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही चूँकि प्रथम बार की जा रही है अतएव प्रकरण परिलक्षित हुई आरंभिक कठिनाइयों एवं समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्मिकों को पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज करने हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 31/8/2024 निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। अतएव आपसे अनुरोध है कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अनुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कष्ट करें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नंबर 1 कहा गया है कि अपेक्षा अनुसार विभाग के अंतर्गत कार्य समस्त कार्यकों द्वारा वर्ष 2023 के सापेक्ष अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अवश्य दर्ज कर दिया जाए। नंबर 2, कतिपय कार्मिकों द्वारा 2023 के सापेक्ष अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न करते हुए 2024 के सापेक्ष अपना विवरण दर्ज किया गया है उन्हें वर्ष 2023 के सापेक्ष चल अचल संपत्ति का दर्ज करने के निर्देश दिए जाए। वर्ष 2024 के सापेक्ष चल अचल संपत्ति का विवरण 31/12/2024 को दर्ज किया जाना होगा। ठीक है, चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल दर्ज करने वाले कार्यकों का माह अगस्त का वेतन आहरित किया जाए। ठीक है, नंबर 4, प्रश्नगत प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः आपसे अनुरोध है कृपया प्रकरण में व्यक्तिगत ध्यान देते हुए विभाग के स्तर पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त कार्रवाई पूर्ण कराने कष्ट करें। बहुदीय मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव। नमस्कार।